हमारी अगली खबर देखकर आपको ये भी जरूर महसूस होगा कि देश में आज भी अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है और यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है। आपने नोट किया होगा कि हमारे देश में कोई सरकारी काम या प्रोजेक्ट अगर समय पर पूरा हो जाए तो लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। अब आप सोचिए, अगर कोई काम समय से बहुत पहले पूरा हो जाए तो लोगों की कैसी प्रतिक्रिया होगी, और वो काम भी कोई सरकारी काम हो। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के पलवल से कुंडली तक 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है, और कमाल की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट अपने तय समय से आधे समय में ही पूरा हो गया। ये हमारे देश के सिस्टम, प्रशासन, सरकार और उन अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है जो अक्सर कोई भी जिम्मेदारी मिलने पर सबसे पहले यही कहते हैं कि ये काम बड़ा मुश्किल है और इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। इस एक्सप्रेसवे को तैयार करने के लिए 30 महीने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसे करीब 15 महीने में ही पूरा कर लिया गया है, यानी आधे समय में। आप नक्शे की मदद से इस एक्सप्रेसवे का रूट समझ सकते हैं। इसकी शुरुआत पलवल से हो रही है, फिर ये ग्रेटर नोएडा होते हुए गाजियाबाद के डासना से गुजरते हुए हरियाणा के कुंडली तक पहुंचेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आगरा और मथुरा के रास्ते पंजाब और जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों को अब दिल्ली से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली से गुजरने वाले ट्रकों को दिल्ली में दाखिल होने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधे इसी एक्सप्रेसवे से गुजर जाएंगे, यानी दिल्ली को अब बाईपास करके चले जाएंगे। इससे दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी जरूर आएगी। दिल्ली की हवा खराब करने में बाहर से आने वाले इन ट्रकों का बहुत बड़ा योगदान है। इस एक्सप्रेसवे को तैयार करने में उन इंजीनियर्स और मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका है जो दिन रात इसके निर्माण में लगे रहे। ये लोग कई महीनों तक अपने घर नहीं गए, अपने परिवारों से नहीं मिले। लक्ष्य से पहले काम करने की जिद ने इन कर्मचारियों को अपने घरों और परिवारों से दूर रखा, और कई बार ऐसी स्थिति भी आई जब कुछ इंजीनियर्स के बच्चों ने अपने पिता से मिलने की जिद की, और ऐसे में इन कर्मठ इंजीनियर्स ने अपने बच्चों को ही एक्सप्रेसवे पर मिलने के लिए बुला लिया, क्योंकि ये लोग अपने घर नहीं जा सकते थे। इनके काम करने की लगन और मेहनत देखकर आप इन्हें इस सड़क का योद्धा भी कह सकते हैं। ये ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने युद्ध स्तर पर हाईवे बनाने का काम किया। आज के युग में विकास करना भी किसी युद्ध से कम नहीं है। इस हाईवे से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां आज हमारे पास हैं। जैसे 27 मई को प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं, और उसके बाद ये सड़क खुल जाएगी। शुरुआत के 2 हफ्ते तक इस पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद कारों से 200 रुपए और ट्रकों से 600 रुपए का टोल टैक्स लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके अलावा ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो किसी दूसरे एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजरेगा। ग्रेटर नोएडा के एक पॉइंट पर यह एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजर रहा है। 135 किलोमीटर लंबी सड़क पर सोलर लाइट्स लगाई गई हैं, और इसके अलावा इस पर लगाए गए पौधों को सींचने के लिए डीप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक के जरिए पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग किया जाता है। यहां आपके लिए अतिरिक्त सूचना यह भी है कि 27 मई को ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का भी उद्घाटन करेंगे। इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। 14 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और गाजियाबाद के लोगों को ट्रैफिक जैम से बहुत राहत मिलेगी। हालांकि ये लोगों के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो इन नई नवेली सड़कों का इस्तेमाल कितनी सद्बुद्धि के साथ करते हैं, कितने डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ करते हैं। फिलहाल आपके लिए अच्छी खबर ये है कि देश को 2 नए एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं, और ये दोनों ही अपने तय वक्त से पहले तैयार कर लिए गए हैं। सड़कों के फैले नेटवर्क को किसी भी देश के इकोनॉमिक सिस्टम की रीढ़ कहा जाता है, और उसी सिस्टम में हमारे देश में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। 135 किलोमीटर का शानदार एक्सप्रेसवे,
और 135 किलोमीटर का सफर आप सवा से डेढ़ घंटे के अंदर पूरा कर पाएंगे। यह शानदार एक्सप्रेसवे न सिर्फ आपको एक हाईटेक और फर्राटेदार यात्रा देने के लिए तैयार हो चुका है, बल्कि अपने आसपास बने शहरों, कस्बों और इलाकों को पॉल्यूशन फ्री कर देने की तैयारी में भी है। 30 महीने का काम सिर्फ 14 महीने में पूरा करके ये संदेश दिया गया है कि इरादे साफ हो और मेहनत सही दिशा में की जाए तो लक्ष्य पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तय समय से पहले पूरा करने के पीछे रही सैकड़ों लोगों की दिन रात की मेहनत और युद्ध स्तर पर किया गया काम और परिणाम आपके सामने है। इंजीनियर्स से लेकर ग्राउंड स्टाफ तक सभी लोगों ने इस हाईवे को एक मिशन के रूप में लिया। सही मायनों में ये लोग ही असली रोड वॉरियर्स हैं। किस तरह की बातें मन में आती थी जब कहा गया था कि इसको पहले खत्म करना है? सर, हम लोगों को नहीं लगता था कि इतनी फास्ट हम कर पाएंगे, बट हमारे पीएम सर का सपोर्ट, हम लोगों का पूरी कंपनी का सपोर्ट, मशीनरी हमको टाइम पे मिलती थी, हर चीज़ हमारे पीएम लोग हम लोगों को सपोर्ट करते थे कि ये डे नाइट करके बेटा खत्म करना है, हमारी कंपनी का नाम होगा इससे। तो हम लोगों ने सोचा सर थोड़ी मेहनत कर ले, हम लोग यंगस्टर जितने थे हमारे साथ के जितने एम्प्लॉयज थे, हम लोगों ने डे नाइट मेहनत करके इसको ब्रिज को कम्प्लीट करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हो हम लोगों का। एक्सप्रेसवे को तैयार करने वाली ग्राउंड फोर्स की टीम, इंजीनियर्स का दल एक स्ट्रेच पर हुए काम की जांच करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की ये वो टीम है जिसने दिन रात की परवाह किए बगैर, किसी छुट्टी के बारे में सोचे बिना अपना टारगेट सिर्फ ये रखा कि कैसे एक मिसाल कायम करनी है हमें, कैसे तमाम बाधाओं और समय पर पूरा न होने की चिंताओं के बीच इस लक्ष्य को किसी भी कीमत पर पाना ही है उन्हें। और देखिए, सच्चे मन से, लगन से और मेहनत से टीम लगी तो नतीजा आंखों के सामने आज जीवंत खड़ा है। इस प्रोजेक्ट को साहब हमने दिन रात इस तरीके से किया है कि हमारे पास यहाँ 1000 लेबर की स्ट्रेंथ थी, 20 आदमियों का पूरा एक स्टाफ का ग्रुप था, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके 420 सेगमेंट इस ब्रिज में कास्ट करने थे, हमने 12 महीने में टारगेट डे नाइट डबल शिफ्ट करके सारा 420 सेगमेंट कम्प्लीट किए। इन टीम लीडर्स ने इस देश की सरकारी और फाइल तंत्र की थकी हुई व्यवस्था के बीच एक शानदार मिसाल कायम की है। इस देश में टीम वर्क का मतलब ज्यादातर जगहों पर गलत इंटरप्रेट किया जाता है। बॉस या फिर सीनियर अफसर अपने एसी कमरों में बैठकर कमांड दें और फील्ड में काम कर रही वर्कफोर्स उसको फॉलो करें, लेकिन अब ये व्यवस्था बदलती दिख रही है। अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर, मजदूर सब एक साथ फील्ड में जुटे हैं ताकि सब कुछ सुचारू चले और समय पर हो। ऊपर के पद पर बैठे एक सीनियर अफसर ने ग्राउंड पर काम कर रहे एक मजदूर के खाने का, उसकी जरूरत का ध्यान रखा और तालमेल का एक बेहतरीन नमूना, एक उदाहरण बनता चला गया। वर्कर से लेकर के इंजीनियर और सारे लोगों को, इंक्लूडिंग जो है एनएचआई, सबको लेकर के हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म किया जो डे टू इवन आवर टू आवर मॉनिटरिंग कर रहे थे इसके लिए जो है, और उसमें जो भी हर्डल आया हमने उसको जो है फ्रिक्वेंटली उसको नेक्स्ट आवर में उसको जो है क्लियर किया और क्लियर करके फिर उसको जो है थ्रू किया। इस पूरे प्रोजेक्ट के हर स्ट्रेच पर काम इतना आसान नहीं था। कई जगहों पर जोखिम से भरे कंस्ट्रक्शन का स्ट्रेच भी था जिसमें काम करने वालों की जान को खतरा था। 135 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 8 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने थे, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा बागपत से गाजियाबाद वाला ये कंस्ट्रक्शन, जहां मेहनत ज्यादा थी, वर्कफोर्स ज्यादा चाहिए था और उसको बनाने का खतरा भी उतना ही ज्यादा था। राजेश जी, ये जो स्ट्रेच है क्यों चैलेंज है इसको तैयार करना? तो सबसे बड़ा एक 70 मीटर का आरओबी है हमारा, सिंगल स्पान का 70 मीटर में हम स्टील स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, ये ओपन ट्रस स्ट्रक्चर है। अभी इसमें जो आप जो ट्रस देख रहे हैं दोनों तरफ, ये रेलवे जो पोर्शन है इसमें काम करने का परमिशन नहीं होता जब तक हम ब्लॉक नहीं लेते। ब्लॉक का टाइम लिमिटेड होता है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, इससे ज़्यादा ब्लॉक मिलता नहीं है, मैक्सिमम 6 घंटे। तो इसके पहले क्या करते हैं हम, इन दोनों तरफ हमने फैब्रिकेट कर लिया इसको, फिर हम मैच कराएंगे ब्लॉक लेके। तो अभी ये दोनों स्टेशन पोर्शन है, उधर उस पर रोलर लगे हुए हैं, रोलर से ये रोल करके आई थिंक 1 or 2 डेज में वी विल रोल इट एंड विल मैच इट।
तो ये एक स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर है, एक आई थिंक आगरा लखनऊ में 67 मीटर का एक आरओबी है एंड दिस इज देयर सेकंड वन आरओबी जो एक्सप्रेसवे पे बना है। अब जरा इस मेहनत के शानदार नतीजों की कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जिनकी वजह से इस एक्सप्रेसवे पर आपका सफर न तो कभी उबाऊ होगा और न ही ज्यादा थकान भरा होगा। पूरे स्ट्रेच पर ड्रिप इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके पौधों की ग्रीनरी की व्यवस्था की गई है। सड़क के किनारे कई जगहों पर शानदार वाटर फाउंटेन्स लगाए गए हैं। साथ ही इस पूरे स्ट्रेच पर भारत के 36 मशहूर मॉन्यूमेंट्स के स्कल्पचर भी लगाए गए हैं। देश में अब तक जितने भी एक्सप्रेसवेज या फिर हाईवेज का निर्माण हुआ है उनमें से ये पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां इस तरह के आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स के स्कल्पचर्स लगाए गए हैं और पूरे 135 किलोमीटर के स्ट्रेच में ऐसे 36 मॉन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। इसका मकसद ये है कि यात्रा के दौरान आप बोर ना हो और इंजॉय करते हुए अपने परिवार के साथ इस सफर में आगे बढ़ें। इसका पूरा जो हाईवे का स्ट्रेच है वो ग्रीन फील्ड है, तो जिससे कि इसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है, परंतु फिर भी हम लोगों ने इस हाईवे को की जो यात्रा है उसको निरस्ता उसकी खत्म करने के लिए बीच में ये मॉन्यूमेंट्स का कंसेप्ट लेके आए हैं। दिल्ली से मेरठ की यात्रा को आसान बनाने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। इसके एक हिस्से का काम पूरा भी हो चुका है। प्रधानमंत्री इस देश के दो बड़े द्रुतगति मार्ग का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन कम करेंगे। एक हमारा जो दिल्ली से मेरठ है उसमें से दिल्ली से दासना तक रोड है जो 14 लेन काम बना रहे हैं और 14 लेन के रोड में 2.5 मीटर का साइकिल चलाने के लिए ट्रैक रखा हुआ है। मैं तो आह्वान करूंगा कि कार के बजाय साइकिल खरीदी करो। दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज से गाजियाबाद की सीमा पर यूपी गेट तक करीब 9 किलोमीटर बने इस 14 लेन वाले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई को करेंगे। हाईवे के खुल जाने के बाद दिल्ली और गाजियाबाद में प्रदूषण कम होगा और जाम की स्थितियां भी दूर हो जाएंगी। इस तरह की तस्वीर दिल्ली की किसी सड़क की अगर हो तो उसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन अब सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। ये वही सड़क है जो हजरत निजामुद्दीन से सराय कालिखा होती हुई गाजियाबाद से होकर मेरठ तक जाती है और इस सड़क पर गाड़ी चलाने का, इस सड़क पर सफर करने का आपका पुराना अपना अनुभव होगा, लेकिन अब ये सड़क एक एक्सप्रेस हाईवे में तब्दील हो चुका है। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे है जिसके दोनों तरफ 2.5 मीटर का साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है। पूरी तरह से हाईवे के निर्माण के बाद दिल्ली से मेरठ जाने में सिर्फ 45 मिनट का वक्त ही लगेगा, जबकि फिलहाल इस रूट पर अक्सर ट्रैफिक जैम होने की वजह से 3 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है। दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें एक प्लान बना के काम हो रहा है, तो जिसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे एक पार्ट है, ये 14 लेनों का है, उसमें बीच में 6 लेन एक्सप्रेस वे है, एक बार एंटर किए तो मेरठ तक सीधा चले जाएंगे और बाकी जो है वो लोकल लोगों के लिए है, 8 लेन का है। बगल में साइकिल ट्रैक है, उसके बगल में पेडेस्ट्रियन ट्रैक है और साइकिल ट्रैक मेरठ तक जाएगा, तो ये मतलब एक नई शुरुआत हो रही है कि लोग साइकिल भी यूज करें। ये दो हाईवेज समय से पहले काम पूरा होने का सबसे ताजा सबूत है। इन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि अगर सरकारी तंत्र चाहे तो समय से पहले काम पूरा करवाया जा सकता है। ये उन अफसरों और बाबुओं के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है जो अपनी टेबल पर किसी प्रोजेक्ट की फाइल आने से पहले ही ये कहने में नहीं हिचकते कि अरे भाई ये तो इतने टाइम में नहीं हो सकता जी। अरे अपनी टीम के साथ ऊंचे मनोबल और हौसले से कोशिश करके तो देखिए, अभी से भी एकदम हो सकता है जी और समय से पहले हो सकता है। अमित प्रकाश, जी मीडिया।